दोस्तों, जब हम कभी बाहर घूमने जाते हैं या किसी रिश्तेदारी में जाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा हमारे मोबाइल का नेटवर्क गायब हो जाता है। जब हमारे मोबाइल का नेटवर्क गायब हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं और बार बार अपने मोबाइल को कभी इधर करते हैं, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी कहीं ऊँचे जगह पर लेके चले जाते हैं ताकि हमारा नेटवर्क आ जाए, फिर भी हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल में नेटवर्क पा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए उस ट्रिक को हम समझ लेते हैं। दोस्तों, ये ट्रिक यदि आप समझ लेते हैं तो ये ट्रिक आपको जीवन भर काम देगा। कभी भी आप कहीं भी घूमने जाएंगे तो आपके मोबाइल का नेटवर्क कभी भी गायब नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, उस ट्रिक को हम जान लेते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लीजिए। सेटिंग ओपन होने के बाद आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मोर, आप मोर ऑप्शन में चले जाइए। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सेलुलर नेटवर्क, इसमें चले जाइए। इसमें जाने के बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दोनों सिम, आपके मोबाइल में दो सिम लगा हुआ है तो दोनों सिम यहाँ पे दिया हुआ है। जिस सिम में आपके नेटवर्क लाना है उस सिम को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है नेटवर्क ऑपरेटर्स, इसमें आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे ये मैनुअली जो है आपके एरिया में, जहाँ पे आप, उस एरिया में जो भी नेटवर्क होगा उसको ये सर्च करके आपके सामने दिखा देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके मोबाइल में अभी फ़िलहाल जितने भी आपके एरिया में मोबाइल टावर हैं उस सब का सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे पहले में है आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, सेलवन, इनमें से कोई भी आपके मोबाइल का नेटवर्क है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और आपके मोबाइल में नेटवर्क आ जाएगा। दोस्तों, यदि इससे भी आपका काम नहीं बनता है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सबसे ऊपर में सर्च नेटवर्क, उसके नीचे दिया हुआ है चूज ऑटोमेटिकली, आप इस पर सेलेक्ट कर दीजिए। जब आप इसको टिक कर देंगे तो आपके मोबाइल में जो है ऑटोमेटिक ही नेटवर्क सेलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये थे दो ट्रिक। यदि ये दोनों ट्रिक काम नहीं करते हैं तो चलिए तीसरा ट्रिक देख लेते हैं। दोस्तों, तीसरे ट्रिक में है अपने मोबाइल को आप फ्लाइट मोड में कर दीजिए। मोड में कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। अपने मोबाइल को आप ऊपर से स्लाइड कीजिए नीचे और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, मेरे मोबाइल में दिया हुआ है एयरप्लेन मोड, हो सकता है आपके मोबाइल में दिया हो फ्लाइट मोड, दोनों एक ही चीज़ है, आप इसको आप सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे ही आप फ्लाइट मोड को एक्टिवेट करेंगे आपके मोबाइल में अगर दो सिम लगा है तो दोनों सिम का जो नेटवर्क है पूरी तरह से गायब हो जाएगा। उसके बाद क्या कीजिए कि लगभग एक मिनट के बाद आप दोबारा से इसको फ्लाइट मोड को ऑफ कर दीजिए। जब आप दोबारा से फ्लाइट मोड को ऑफ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक ही नेटवर्क आ जाएगा। तो दोस्तों, ये था तीसरा ट्रिक। यदि ये तीनों ट्रिक काम नहीं करता है तो क्या करना है, तो अपने मोबाइल को आप स्विच ऑफ कर दीजिए, उसके बाद दोनों सिम को निकाल दीजिए। दोनों सिम को निकालने के बाद लगभग 5 मिनट के बाद आप फिर से सिम को अपने मोबाइल में लगाइए और मोबाइल को ऑन कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही आप ऑन करेंगे आप देखेंगे यदि आप जहाँ पे हैं उस क्षेत्र में आपका सिम कार्ड जिस कंपनी का है उस कंपनी का अगर नेटवर्क है उस क्षेत्र में तो 100% गारंटी है कि आपके मोबाइल में नेटवर्क आ गया होगा। दोस्तों, यदि फिर भी नेटवर्क नहीं आता है तो जाहिर सी बात है कि आप जिस क्षेत्र में हैं उस कंपनी का नेटवर्क होगा ही नहीं जिस कंपनी का आपने सिम लगाया है अपने मोबाइल में, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन दोस्तों, इसका भी एक सलूशन है। हमारे आपके या सबके मोबाइल में एक सेटिंग होता है कॉल फॉरवर्डिंग का। दोस्तों, कॉल फॉरवर्ड के जरिए हम अपने सिम कार्ड का जितने भी कॉल हैं वो हम दूसरे नंबर पे इनकमिंग करा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, चलिए पहले अपना हम डायलर ओपन कर लेते हैं। डायलर ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए ऊपर में राइट साइड में 3 डॉट बना हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए सेटिंग दिया हुआ है, आप सेटिंग में चले जाइए। सेटिंग में जाने के बाद देखिए यहाँ पे कॉलिंग अकाउंट दिया हुआ है, इसमें चले जाइए और आपका जो सिम है जिस सिम में आपके नेटवर्क नहीं आ रहा है उस सिम को यहाँ से देखिए सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट जैसे ही करेंगे ये 4-5 ऑप्शन खुल गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कॉल फॉरवर्डिंग, इसमें आप टिक कर दीजिए।
जैसे ही टिक करेंगे यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन और खुल गए हैं। पहला ऑप्शन है ऑलवेज फॉरवर्ड, दूसरा है वेन बिजी, तीसरा है वेन अन आंसर्ड और चौथा है देखिए यहाँ पे अनरीचेबल। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे यहाँ पर देखिए ये मोबाइल नंबर डालने के लिए यहाँ ऑप्शन आ गया कि आप कौन से मोबाइल नंबर पे अपने कॉल को फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें आपके मोबाइल में जो दूसरा सिम लगा हुआ है उस नंबर को इसमें यहाँ पर डाल दीजिए। और यहाँ पर डालने के बाद यहाँ देखिए दिया हुआ है अपडेट, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर टिक करेंगे आपका जो टोटल कॉल है उस नंबर पर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए दोस्तों एक कंडीशन है कि आपके मोबाइल में जिस मोबाइल का फॉरवर्ड करना चाहते हैं कॉल उस मोबाइल में बैलेंस होना चाहिए। यदि आपके उस मोबाइल में बैलेंस नहीं है तो आपका जो है वो सिम फ्री होना चाहिए, फ्री कॉलिंग होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। तो दोस्तों आप जब तक उस एरिया में रहेंगे आपके टोटल कॉल जो है आपके दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड हो जाएंगे, जो भी कॉल करेगा आपके दूसरे नंबर पर वो फोन आ जाएगा, आपको कोई भी इससे परेशानी नहीं होगी। जब आप अपने एरिया में वापस आ जाएं जहाँ पे आपके मोबाइल में नेटवर्क आ जाए तो क्या करना है कि आप फिर से कॉल डिटेल में जाइए और कॉल सेटिंग में जाने के बाद वहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा कैंसिल फॉरवर्ड कॉल्स, आप वहाँ से आप कैंसिल कर दीजिए और आपका मोबाइल जो है नॉर्मल हो जाएगा, आपके टोटल कॉल्स फिर से आपके पुराने वाले नंबर पर आने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने सीख लिया कि किस प्रकार से आप अपने मोबाइल में हमेशा के लिए नेटवर्क पा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, मेरे चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं इसी प्रकार की एक ट्रिक वाली नई वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट के लिए।